हिंसा नफरत माइनॉरिटीज के खिलाफ ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा नफरत माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया, माइनॉरिटीज ने क्या किया, हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं, पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा नफरत फैलाई। इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीन। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। सेडेशन कानून को निकालेंगे, पर उन्होंने लफ्ज सेडेशन इस्तेमाल नहीं किया और एक मानों में सेडेशन का कानून बना दिया, लफ्ज जिहाद का कानून बना दिया। तीसरा ये है कि 90 दिन की पुलिस कस्टडी मिल सकती है और उस वक्त तक बेल नहीं मिलेगा। पांचवी अहम बात यह है कि ये सरकार किसी को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती है, माने UAPA से खतरनाक ये कानून आज बन चुका है। UAPA में अगर किसी का पुलिस कस्टडी बढ़ाना है तो DSP रैंक का एक ऑफिसर कोर्ट में पिटीशन देता है कि हम क्यों उनका कस्टडी लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर उसकी जरूरत भी नहीं है। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे सबसे ज्यादा से गलत इस्तेमाल होगा आदिवासियों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर, और जो लोग रूलिंग पार्टी से डिसेंड करते हैं। और उसमें प्रोविजन ये भी है कि किसी को भी पुलिस जो है 48 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए उठाकर लेकर जाएगी। क्या बात है, यानी कहाँ रुकेगा फिर? कि आपने तो अंग्रेजों जो कानून था उससे बदतर कानून आपने बना दिया। अरे फॉरेंसिक का इस्तेमाल तो पहले भी हो रहा था ना, नहीं हो रहा था क्या?